सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का 2018 का जो रिजल्ट था दोस्तों, वैकेंसी का 27 अप्रैल यानी कि 2 दिन पहले आपका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। रात को आपका रिजल्ट गायब हो गया था, मगर अगले ही सुबह 11-12 बजे के करीब दोस्तों रिजल्ट वापस आ गया था किसी टेक्निकल एरर की वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई रिजल्ट चेंज होने के चांसेस है दोस्तों, क्योंकि पूरी एहतियात बरती है, मगर फिर भी कई गलतियाँ हुई हैं। ऐसी बात नहीं कि गलतियाँ हुई हैं, मगर देखते हैं कि उन गलती को रेलवे किस तरह से रेक्टिफाई करेगा। कि अगर रिजल्ट वैसे तो दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट इतनी बार कैंसिल हुआ है, उस वजह से काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिनके साथ 9th सब हुई उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो रेलवे को ऐसा प्रोसेस अपनाना चाहिए जिसकी वजह से इतनी टेंशन हो ही ना। अगर आप एक बार में रिजल्ट नहीं दे सकते तो आपको एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। फिर भी दोस्तों, जो पिछली बार रिजल्ट आया था, एएलपी साइको की लिस्ट आई थी, और इस बार जो लिस्ट आई है, इन लिस्ट में कितना अंतर है, यानी कि इस लिस्ट से साफ पता पड़ता है कि कितने कैंडिडेट अंदर आए हैं और कितने कैंडिडेट बाहर की तरफ गए हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ दोस्तों कि आपको किस तरह से आप देख सकते हैं कि एएलपी का साइको के लिस्ट में कितने लोग आए हैं और कितने लोग गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा, जितने भी दोस्त चैनल पर नए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं हम लोग, जो हमारा मैंने तैयार किया पीडीएफ उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पीडीएफ है, यहाँ मैंने अलग अलग जोन बना रखे हैं दोस्तों। ये देखिए, जोन वाला सेक्शन है, यहाँ न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट है और यहाँ प्रीवियस सिलेक्टेड कैंडिडेट है। यहाँ कैंडिडेट के साथ उनका परसेंटेज भी है और यहाँ पर कितने कैंडिडेट आए हैं और कितने कैंडिडेट गए हैं वो है। ऐसा होता था कि जितने कैंडिडेट थे उससे ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं, मगर कई जो कैंडिडेट पहले थे उनमें से लोग फेल हो गए, नए कैंडिडेट उसमें ऐड भी हुए हैं। तो मतलब ये तो एक रेशो है कि हाँ, इतने कैंडिडेट पहले थे, इस बार ज़्यादा हुए हैं, मगर अंदर बहुत ज़्यादा है आने जाने का। मतलब आप देख लीजिए, एक एक जोन में 500-600 बच्चे करीबन अंदर बाहर हुए हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अहमदाबाद जोन में 365 सीटें थी, जिसके लिए पिछली बार दोस्तों 2911 सीट आई थी, ठीक है, 2911 लोग चुने गए थे, मगर इस बार 2894 लोग चुने गए हैं, यानी कि 17 लोगों कम चुने गए हैं। बात करो दोस्तों अजमेर बोर्ड की, यहाँ 1110 सीटें थी टोटल, पिछली बार जो था 8887 सीटें थी, मतलब कैंडिडेट चुने गए थे, और इस बार 8899 लोग चुने गए, यानी कि 12 लोग ज़्यादा इस बार चुने गए हैं। इलाहाबाद जोन में दोस्तों 4236 सबसे ज़्यादा सीटें थी, और यहाँ पर आप देखेंगे पिछली बार 32872 लोग चुने गए थे, मगर इस बार 32923 लोग चुने गए, यानी कि 51 लोग एक्स्ट्रा लोग चुने गए, मतलब 51 लोगों की सीटें और बढ़ गई। बात करें दोस्तों बेंगलोर जोन में 1623 सीटों के लिए, पिछली बार 12773 लोग चुने गए थे, 33 लोग चुने गए थे, मगर इस बार 12692 लोग चुने गए, यानी कि 41 लोग यहाँ पे कम कर दिए गए हैं बेंगलोर जोन में। भोपाल जोन की बात करें, 1110 सीटें यहाँ थी और पिछली बार 8893 लोग चुने गए थे, मगर इस बार 8883 लोग चुने गए हैं, यानी कि 10 लोग कम चुने गए हैं। बात करें दोस्तों भुवनेश्वर में 2228 लोग थे टोटल सीटें थी दोस्तों, और यहाँ पर जो सीटें कैंडिडेट चुने गए हैं 14011 से कैंडिडेट चुने गए हैं, मगर इस बार जो कैंडिडेट चुने गए हैं 14206, यानी कि 195 कैंडिडेट ज़्यादा भुवनेश्वर जोन में सबसे ज़्यादा नए कैंडिडेट आए हैं। बिलासपुर जोन की बात करें, 1484 सीटों के लिए दोस्तों पिछली बार जो है 11461 लोग चुने गए थे, मगर इस बार 11480 लोग चुने गए हैं, यानी कि 19 लोग ज़्यादा चुने गए हैं इस बार। बात करें दोस्तों चंडीगढ़ जोन की, 1308 सीटें थी टोटल, इस पिछली बार 10243 लोग चुने गए थे, मगर इस बार 10228 लोग चुने गए, यानी कि 15 लोग ज़्यादा चुने गए हैं इस बार। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, गोरखपुर से 1681 लोग पिछली बार चुने गए थे और इस बार 10387 लोग चुने गए हैं, पिछली बार 10387 लोग पिछली बार चुने गए थे और इस बार 10387, थोड़ा मिसमैच है दोस्तों, यहाँ 83 लोग ज़्यादा है, यहाँ की नहीं कि 37 से 87 हो गया था, ठीक है। बात करें गुवाहाटी जोन में, 420 लोग चुने गए थे पिछली बार, 420 सीटों के लिए पिछली बार 3153 लोग चुने गए थे, इस बार 3143 लोग चुने गए हैं, यानी कि 14 लोग ज़्यादा। जम्मू कश्मीर में 357 सीटों के लिए पिछली बार 2351 लोग चुने गए थे और इस बार 2349 लोग चुने गए हैं, यानी कि 2 लोग कम चुने गए हैं इस बार। 1409 सीटों के साथ कोलकाता जोन से पिछली बार 211143 लोग चुने गए थे, मगर इस बार 11161 लोग चुने गए हैं, यानी कि 18 लोग ज़्यादा चुने गए हैं इस बार। बात करें मालदा की, 801 सीटों के लिए 5468 लोग पिछली बार चुने गए थे और 5575 लोग इस बार चुने गए, यानी कि 107 लोग ज़्यादा चुने गए हैं। मुंबई की बात करें दोस्तों, 1866 सीटों के लिए पिछली बार 14910 लोग चुने गए थे और इस बार 14946 लोग चुने गए हैं, यानी कि पूरे 36 लोग ज़्यादा चुने गए हैं इस बार।
मुजफ्फरपुर बोर्ड में दोस्तों 446 सीटों के लिए, 466 सीटों के लिए पिछली बार 2022 लोग चुने गए थे और इस बार 2066 लोग चुने गए, यानी कि 44 लोग ज़्यादा चुने गए हैं। पटना की बात करें 720 सीटों के लिए पिछली बार के लोग जो हैं 2186 लोग चुने गए थे, मगर इस बार 2240 लोग चुने गए हैं दोस्तों, यानी कि 54 कैंडिडेट ज़्यादा। रांची से 2031 लोग चुने गए थे, ठीक है, 2031 सीटें थी, जिसके लिए इस बार दोस्तों 15,491 लोग चुने गए थे और इस बार आप बात करें तो 15,530 लोग चुने गए हैं रांची बोर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत ही कम कैंडिडेट, पटना में 3.03% था और इस बार भी ज़्यादा लोग नहीं बढ़े हैं। तो कई जगह इतना एकदम कम कॉम्पिटिशन है कि आप बहुत अच्छे आसानी से जॉब पा सकते हैं। बात करें सिकंदराबाद जोन की, तो दोस्तों यहाँ सीटों का थोड़ा मिसमैच हो रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 25,078 कैंडिडेट पिछली बार चुने गए थे और 25,095 लोग इस बार चुने गए हैं। सिलीगुड़ी में 534 सीटों के लिए पिछली बार 2,443 सीट लोग चुने गए थे, इस बार 2,478 लोग चुने गए हैं। बात करें तिरुवनंतपुरम की, तो दोस्तों 162 सीटों के लिए पिछली बार 1,268 लोग चुने गए थे और इस बार 1,263 लोग चुने गए हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितने कैंडिडेट इन हुए, कितने कैंडिडेट आउट हुए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखें कि सीटें जो बढ़ी है दोस्तों, तो वो 200 के आसपास, यानी कि 195-200 के आसपास लगभग सीटें बढ़ी हैं। बाकी हज़ारों कैंडिडेट दोस्तों, मोर देन हज़ारों कैंडिडेट अंदर आए हैं और बाहर गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जरा से 1.01 मार्क्स से, कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मेरे 34.98 मार्क्स से और मैं 0.02 मार्क्स से रह गया हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे नंबर एकदम बाउंड्री लाइन पर आके कई बच्चे अंदर हो गए, बाहर हो गए हैं। सो आपको पता है कि आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए, अगर आपकी गलती है आंसर की में, तो आप ज़रूर आवाज़ उठा सकते हैं। एंड आई होप कि सबका रिजल्ट सही हो जाए और एग्जाम टाइम पर हो जाए और सबको वैकेंसी मिल जाए दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।